महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमीवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। आज के इस विशिष्ट सत्र में अध्यक्षता कर रहे आचार्य प्रोफेसर वर्मा जी, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, और अभी जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया प्रोफेसर विनय जी, सभा में उपस्थित काशी के इतिहास, काशी की संस्कृति, काशी की देव प्रतिमाओं पर सर्वाधिक काम करने वाले आचार्य प्रोफेसर राणा जी, रचना जी, तथा विभिन्न क्षेत्रों से पधारे काशी के विद्वान एवं प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी विद्वान संचालक महोदय ने बताया कि मेरा विषय है काशी सांस्कृतिक ऐक्य की नगरी। मैंने इसको केंद्रित किया है कि काशी में शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, सिख, इन्हीं सभी संप्रदायों के अतिरिक्त इस्लाम और ईसाई के भी धर्मस्थल बने हुए पाए जाते हैं। इसलिए काशी अनेक धर्म तथा संप्रदायों को मानने वाले जन समुदाय की समरसता के साथ उनके निवास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के लोक व्यवहार में सभी का आदर कर जीवन यापन की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। सनातन परंपरा के अनुयायियों की बहुलता होने पर भी अन्य धर्मों और संप्रदायों को अपनी मान्यताओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से आस्था प्रकट करने का सुअवसर काशी में निरंतर सुलभ रहा है। बिना किसी भेदभाव के भारतीय संप्रदायों में शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन की प्रबल स्थापना काशी का अपना स्वरूप है। इसलिए यह अपना कहना अतिशयोक्ति न होगी कि काशी सर्वधर्म समभाव की नगरी है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपारे खलु संसारे सारमे तच्चतुष्टयम् काश्याम वासस्ताम संग गंगाम्भ शंभु पूजनम्। इस संसार, संपूर्ण संसार सारवान है, लेकिन इसमें चार ही चीज सारवान मानी जाती है, वो है काश्याम वासः, सताम संगः, काशी में निवास करना हम सभी के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है, और उसके साथ सज्जन व्यक्तियों का संग, और भगवती गंगा जो कि भगवान शंकर की जलमूर्ति मानी जाती है, उनका सान्निध्य, और इससे सबसे ऊपर शंभु भगवान शंकर का पूजन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि काशी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो यहां अभि शब्द का अर्थ है पाप, तो अभि अर्थात पापों से मुक्त या मुक्ति दिलाने वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो पापों से मुक्त है या जहां निवास करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त समम क्षेत्रम न भूतो न भविष्यति न तादृशम गगने न भूम्याम न रसातले, ये कहा है पुराणों में। अभिमुक्तम सदा लिंगम, यहाँ अभिमुक्तेश्वर महादेव का लिंग प्रतिष्ठित है और यही आदिलिंग माना जाता है। विश्वेश्वर लिंग के पहले का जो लिंग है वो अभिमुक्त लिंग माना जाता है। अभिमुक्तम सदा लिंगम योत्र दक्षति मानव न तस्य पुनरावृत्ति कल्प कोटि शतैरपि, आदिलिंगम इदम प्रोक्तम अभिमुक्तेश्वरम महत् ततो लिंगांतराण्यत्र जातानि क्षितिमंडले अभिमुक्तेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। ये मुक्त लिंग के महत्व के विषय में यहाँ बतलाया गया है। वर्तमान जो विश्वेश्वर धाम है उस के जो शिवलिंग है उसको विश्वेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और इसके पांच मंडप माने गए हैं, और पांचों मंडप, इनमें चार दिशाओं में चार मंडप है, और मध्य मंडप में विश्वेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित है। दक्षिण में जो मंडप है उसको कहते हैं मुक्ति मंडप, पश्चिम में जो मंडप है वो श्रृंगार मंडप या रंग मंडप, उत्तर के मंडप को कहते हैं ऐश्वर्य मंडप, और पूर्व में है ज्ञान मंडप। इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर माना जाता है। काशी में स्कंद पुराण का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां जो काशी खंड में मिलता है यहाँ 511 शिवलिंग है। इसमें 11 है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित 46 शिवलिंग है, ऋषियों महर्षियों द्वारा स्थापित 47 शिवलिंग है, शिव भक्तों द्वारा स्थापित 40 शिवलिंग है, और शैव तीर्थों के प्रतीक के रूप में 68 शिवलिंग यहाँ पर है, नवग्रहों के द्वारा स्थापित 9 शिवलिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, और शिवगण शंकुकर्ण महाकाल घंटाकर्ण महोदर सोमनंदी नंदीशयणी इनके द्वारा स्थापित 40 शिवलिंग काशी में है।
इन सब की संख्या यदि मिलाई जाए तो 511 आ जाती है। और काशी के बारे में कहा जाता है कि यह मुक्ति क्षेत्र है, और मुक्ति का अर्थ समझ लीजिए, मुक्ति का अर्थ स्मशान में शरीर का अंतिम संस्कार करने से नहीं है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि काशीं प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थ कोटि भी, ये कहा गया है पुराणों में कि काशी के महत्व के विषय में मान्यता है। यदि अन्य मुक्ति क्षेत्र स्वर्ग साधक है तो काशी मुक्ति का साधक है। मुक्ति से तात्पर्य है स्थूल भौतिक सूक्ष्म अंतकरण और लिंग अर्थात वासना, इन तीन शरीरों से मुक्ति। तो केवल स्थूल शरीर से यदि उसको हम उसका संस्कार कर देते हैं, उसके अंत्येष्टि संस्कार कर देते हैं, तो उसको हम मुक्त नहीं मानते। तो पांच भौतिक स्थूल शरीर, सूक्ष्म जो इंद्रिया तथा अंतकरण है, मनमुंदी अहंकार है ये, और लिंग शरीर जो संस्कार या वासना के रूप में है, जब लिंग शरीर से मुक्ति मिलती है तो वस्तुतः हम मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। इन तीनों से मुक्ति का नाम ही वास्तविक मुक्ति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जब हम विचार करते हैं भगवान शिव पर, तो वहां कहा जाता है कि भव सर्वो रुद्र पशुपति त्रोग्रस्त महांस तथा भीमेशाना वितीयत विधानाष्टकमिदम। भगवान शंकर के 8 नाम महिमन स्त्रोत्र में प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए जो रुद्र रूप है भगवान का वो सूर्य में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का भव रूप है वो जल में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का सर्व रूप है वो भूमि में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का ईशान रूप है वो वायु में प्रतिष्ठित है, और जो भगवान का पशुपति रूप है वो अग्नि में प्रतिष्ठित है, भीम रूप आकाश में प्रतिष्ठित है, उग्र रूप दीक्षित में, दीक्षित से तात्पर्य है यज्ञ दीक्षित यजमान, और जो महादेव रूप है वो भगवान का वो चंद्रमा में प्रतिष्ठित है। ये सब उद्धरण कहाँ मिलते हैं? रघुवंश की टीका में मिलते हैं, हेमाद्र की जो रघुपंजी का टीका है वल्लभ देव की, उसमें ये उद्धरण हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लिए जो भव सर्वो रुद्र पशुपति रथो ग्रस, उग्र शब्द का उल्लेख मिलता है जब कौत्स जाते हैं वरतंतु के शिष्य महाराजा रघु से दान लेने, तो वहां उन्होंने पूछा कि अप्यग्रणीर मंत्रकृताम ऋषिणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते जतस्त्वया ज्ञानवशेषमाप्तम चैतन्य मुग्राधिव दीक्षितेन। जैसे यज्ञ दीक्षित यजमान उग्र अर्थात भगवान शंकर से चेतना प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है और यज्ञ में प्रवृत्त होता है, वैसे ही तुमने अपने गुरु से समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहाँ उग्र मूर्ति के रूप में चैतन्य दीक्षित यजमान प्रतिष्ठित है, वो बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है। अभी आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी ने अपने शोध पत्र में कहा कि नाद के रूप में हम भगवान शंकर का काशी में उच्चार करते हैं। तो ये नाद है क्या? ये नाद है प्रणव। प्रणव में प्र का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और इस प्रणव और उसको पार कराने की जो नौका है उसको हम प्रणव कहते हैं। प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः, प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः नवम नवांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधाः। ये वैसी नाव है जो कि इस संसार रूपी सागर को पार कराने वाला, प्रपंच से पार कराने वाली नौका है। दूसरा अर्थ जो प्रणव का किया जाता है वो प्रकर्षेण नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः। प्रकर्षेण नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः। और तीसरा अर्थ किया जाता है प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदु प्रकर्षेण नयेद्यस्मान मोक्षम प्रणवं मोक्षम व प्रणवं विदु। इसीलिए प्रणव को ध्वनिलिंग माना जाता है भगवान शंकर का। प्रणवम ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयं भुवः बिंदुलिंगम तु यंत्रम स्यान मकारम तु प्रतिष्ठितम उकारम चरलिंगम स्यादकारम गुरु विग्रहम षड्लिंग पूजया नित्यम जीवन मुक्तो न संशयः। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने से नादलिंग कहा गया। यंत्र का जो अर्घा है भगवान का वो बिंदु स्वरूप होने से बिंदुलिंग कहा गया। अर्घे में अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग मकार रूप होने से मकार लिंग कहा गया, और सवारी आदि निकालने के लिए जो चरलिंग होता है उसको उकार स्वरूप कहा गया। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु या आचार्य का जो विग्रह है वो अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया। इस प्रकार षडलिंग स्वरूप प्रणव में प्रतिष्ठित अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में ये लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा से साधक जीवन मुक्त हो जाता है।
इसके बाद एक बात और मैं यहां प्रस्तुत करूंगा कि भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है। तो भस्म का तात्पर्य क्या है इसको आप समझ लीजिए कि कहा गया है पुराणों में कि जैसे राजा राज्य से सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्यादि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है। आयुर्वेद में आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म, वो उसका सारभूत तत्व है। रजत का जो सारभूत तत्व है वो भस्म रूप में हम ग्रहण करते हैं, और जठरानल भोज्य पदार्थ को जलाकर उसका सार तत्व अपनाता है। भोज्य पदार्थ को जलाकर उसके सार को हम जठरानल के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। तो सारतर वस्तु से स्वदेह का हम पोषण करते हैं। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव अपने आधेय प्रपंच को जलाकर, ध्यान दीजिएगा, अपने आधेय प्रपंच को जलाकर उसके भस्म रूप सार तत्व को अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। ये भस्म का अर्थ है। शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके सारभूत भस्म को शरीर में पोत रखा है। ये आप ध्यान रखिए, भस्म का अर्थ, शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके सारभूत शरीर सारभूत भस्म को अपने शरीर में लगा रखा है, और शिव के शरीर में जो भस्म है वो रत्न स्वरूप में स्थापित है। और एक बात और ध्यान रख लिए, आकाश के सार तत्व से भगवान शिव के केश बने हुए हैं, वायु के सार तत्व से उनका मुख बना हुआ है, अग्नि के सार तत्व से उनका हृदय है, जल के सार तत्व से कटिभाग है, और पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों को धारण किया गया है। इसी प्रकार उनके विभिन्न अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीय ही शरीर के केशम आकाश सारेण वायु सारेण वैमुखम हृदयम चाग्नि सारेण त्वपाम सारेण वैकटिम जानुम चाव चाव निसारेण तद्वत् सर्वम तदंगकम। ये सब बातें हमको शिव पुराण में विस्तार के साथ मिलती हैं। और भगवान शंकर के मस्तक पर जो त्रिपुंड है वह त्रिपुंड वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों के सार तत्व के रूप में माना जाता है। एक बार और ध्यान रखिएगा कि चार आश्रम माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन चारों आश्रम से श्रेष्ठ माना जाता है शिवाश्रमी भक्त। शिवाश्रमी भक्त को काशी में चारों आश्रमों से सर्वोच्च माना गया है। तो शिवाश्रमी भक्त कौन हुआ? जो कि शिव मंत्र के सारा भस्म को धारण करने वाला साधक है उसको काशी में शिवाश्रमी भक्त कहा जाता है। भगवान शंकर को गुरु क्यों कहते हैं? तो उसके लिए भी कहा है, गुणान रुंद इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रहः, अर्थात ये सत्वरजस तमस तीनों गुणों से ऊपर उठाकर भक्त को एक परम वैराग्य की अवस्था में पहुंचाते हैं भगवान शिव, इसलिए उनको गुरु यह संज्ञा दी जाती है। और प्रणव शब्द के और भी कई यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से काशी शैव धर्मानुयायियों का एक अभूतपूर्व केंद्र है। लेकिन केवल शैव और विश्वेश्वर की स्तुति जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में हमको प्राप्त होती है वह अद्भुत है। जय विश्वेश्वर विश्वाधार विश्वरूप विष्णुप्रिय वामदेव महादेव देवादिदेव दिव्य रूप दीनानाथ कृष्ण शरणागत वज्रपंजर साधिताखिल कार्य कार्यातीत कार्य कारण कामादि त्रिण दाहन दानवांतर दारिताखिल दारिद्र जितेन्द्रिय प्रिय जितेन्द्रिय गम्य काशीस्थ स्थावर जंगम निर्माण दायक त्रिदश नाश त्रिदश नायक काशिका प्रिय नमस्ते नमस्ते। ये स्तुति है भगवान शंकर की ब्रह्म विवर्त पुराण में। इसी प्रकार काशी में, जैसा कि आचार्य प्रोफेसर शुक्ल जी ने कहा कि काशी में जंगमबाड़ी में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का सुप्रसिद्ध मंदिर है। काशी में शंकराचार्य पीठ सुमेरु पीठ कहा जाता है, और आदि शंकराचार्य ने काशी में पंचक्रोशी की परिक्रमा कर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। आज भी महाशिवरात्रि पर्व पर काशी में इसके परिक्रमा का विधान है। पंचक्रोशी मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर कर्मदेश्वर महादेव भीमचंडी रामेश्वर पंच पांडव आदि होते हुए कपिल धारा पहुंचकर मणिकर्णिका में संकल्प छोड़ने का विधान काशी में है। दूसरा जो संप्रदाय काशी में पाया जाता है वो है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पुष्टिमार्गी वल्लभाचार्य का स्थान है, यहाँ पर द्वैताद्वैत संप्रदाय का स्थान है, यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव धाम है, यहाँ पर संत गानेश्वर के शिष्य नामदेव और एकनाथ भी यहाँ आए थे और उन्होंने उपासना की थी, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो परम वैष्णव थे
लेकिन उन्हें भी शिव जी की स्तुति, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। और इसके बाद यहाँ पर वारकरी संप्रदाय का भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, जो पंडरपुर के वारकरी संप्रदाय है, उनके 4 या 5 मंदिर यहाँ पर माने जाते हैं। 2 स्थान बड़े प्रसिद्ध है विष्णु तीर्थ के रूप में, एक तो है आदिकेशव और दूसरा है आपका बिंदु माधव। काशी खंड में उल्लेख आता है कि काशी में 105 नारायण प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है, और काशी का जो वैष्णव प्राचीनतम वैष्णव तीर्थ है वो है वरुणा तथा गंगा के संगम पर स्थापित आदि कैशव का सुप्रसिद्ध मंदिर। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख आता है और यह गढ़वाल वंशी राजाओं के कुल देवता है। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बिंदु माधव का मंदिर, जो कि पंचगंगा घाट पर स्थित है, बिंदु माधव देवस्थान में स्थापित है। अग्निबिंदु ऋषि गंडकी नदी के तट पर पंचनद तीर्थ नेपाल में तपश्चर्या कर रहे थे, प्रभु ने उनको दर्शन दिए और काशी में प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया। मुस्लिम आक्रमण के बाद बिंदु माधव मंदिर का जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी के द्वारा कराया गया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज तेलंगाना से काशी आए और उन्होंने पुष्टिमार्गी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टिमार्गी से तात्पर्य क्या है? सेवा, सत्संग और स्मरण, इन 3 के माध्यम से ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हुए भक्ति को पुष्ट करने पर उन्होंने बल दिया। तो किसको पुष्ट करना है? भक्ति को पुष्ट करना है, लेकिन कैसे? सेवा, सत्संग और स्मरण के माध्यम से। और इन्होंने अष्टाक्षर मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। इसके बाद द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य भी यहाँ का भी स्थान काशी में है। इसके बाद मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने की श्रीमद भगवत भक्ति रसायनम अद्वैत सिद्धि सिद्धांत बिंदु प्रस्थान वेद गीत गोविंद पर आनंद कादम्बिनी टीका लिखी, उनका भी यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध स्थान था। अभी दिगंबर परमहंस की शिक्षा से उनको श्याम सुंदर के दर्शन भी हुए थे। इनकी अत्यंत प्रसिद्ध स्थिति है, स्तुति है, ध्यानाभ्यास वशीकृते मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुनिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावती। भगवान विष्णु की स्थिति और वंशी विभूषित करान नवनीत धावात भी उन्हीं का बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। महिम्न स्तोत्र में प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति, और इस पर भाष्य लिखा आपके मधुसूदन सरस्वती जी ने। गौड़ीय वैष्णव मत के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा के क्रम में काशी में आए और यहाँ पर निवास किया था। संत ज्ञानेश्वर के शिष्य नामदेव एकनाथ काशी आए। इसी प्रकार वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदायों के विषय में यदि आप देखें तो भगवान बुद्ध ने काशी में ही अपनी प्रथम उपदेश दिया था। जब भगवान बुद्ध को उपदेश मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो उनके मन में आया कि ये संसार तृष्णारत है, कामरत है, इसको उपदेश देने से क्या लाभ? तो वो परम वैराग्य की अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि नहीं, अतर्क और सूक्ष्म परमार्थ का बोध जो तुमको प्राप्त हुआ है, उसको राग द्वेष और मोह माया में पड़े संसार के कल्याण के लिए उन तक आप ले जाइए। तब तक उनके दोनों गुरु आनार कलाम और उद्धम राजपुत्र, दोनों ही उद्धव रामपुत्र, उन दिवंगत हो चुके थे। तो वे अपने 5 शिष्यों को खोजते हुए काशी आए और मृगदाव में उन शिष्यों के साथ बैठकर उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चरत भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानाम चरत भिक्खवे धम्मम आदि कल्याणम मज्जे कल्याणम परियोजन कल्याणम सात्थम सद्व्यंजनम केवल परिपूर्णम परिशुद्धम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। ये सब बातें इसमें आई है और यहीं से आपका बौद्ध धर्म आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, जापान इत्यादि अनेक देशों में फैला। तो ये काशी को श्रेय जाता है। जैन संप्रदाय के बारे में जहां कहा जाता है तो 4 तीर्थंकर हुए काशी में, तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, तीर्थंकर चंद्रप्रभ, तीर्थंकर श्रेयांशनाथ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। और एक बात जान लीजिए कि 4 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान।
तो इन तीर्थंकरों के चारों कल्याणक काशी में संपन्न हुए और इनके जैन धर्म में ज्ञान के पांच भेद माने गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय, केवल ज्ञान। तो ये पांचों प्रकार के ज्ञान इन तीर्थंकरों को काशी में प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ा अवदान है जैन धर्मावलंबियों के लिए काशी में। तो इसको संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि और आगे जैन तीर्थंकरों के विषय में बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, इतना ही उल्लेख करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ।